दोस्तों, जनरली जब हमें बुखार आता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसका रीजन है जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तब हमारा ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ वो सारे मिलकर इन्फेक्शन से तेजी से लड़ने लगते हैं, इन WBCs की मात्रा बढ़ जाने से हमारा हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है और इसी वजह से हमारी बॉडी हीटअप होती है और हमें फीवर आता है। और फीवर के अदर स्टेजेस में आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ठंड भी लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी स्किन को टाइन अप कर देता है ताकि स्किन के आउटर लेयर का ब्लड अंदर ना आए, जिससे आउटर लेयर की स्किन कूल हो जाती है और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें ठंड लगती है, शिवरिंग होती है। दोस्तों, अगर फैक्ट पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।